जिस प्रोग्राम का आप हिस्सा रही हैं और काफी असर रही हाँ और लोग आपको उसी प्रोग्राम के साथ मंसूब भी करते हैं क्या कोई खास वजह हुई या डिसाइड किया कि नो इट्स इनफ नाउ आई शुड बी डूइंग समथिंग ऑफ माय ओन देखिए ऐसा ही है क्योंकि आई थिंक जब मैंने वो शो ज्वाइन किया था तब एक वक्त ऐसा था या नौ साल आपने काम किया है पाँच साल तक पांच साल? मैंने काम किया उनके साथ अच्छा ओके okay. और uh, मुझे ऐसा लगता है की समाओ के अब उस शो में मेरी जरूरत नहीं है हाँ. बहुत काम कर लिया हमने हाँ. अब और लोगों को मौका देना चाहिए अच्छी बात वाह 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 लेकिन वो एक लर्निंग प्रोसेस रहा है बहुत कुछ सीखा वहाँ से कहना चाहूंगी की जितना अर्सा मैंने वहाँ काम किया उसमें हनी अलबेला का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि इनकी वजह से ही मैंने वहाँ पे इतना अच्छा भी वैसे। <laughs> <के बारे> में <laughs> <आएड़ा>। <laughs> हमने एक दो ड्रामा सीरियल किए इनमें जितनी पोटेंशियल है, और जितनी अच्छी है। बड़ा कम इस तरह का जो है ना वो कॉम्बिनेशन होता है बाकी मेहनत हर आर्टिस्ट की अपनी होती है और बाकी अल्लाह उस पर मेहरबान होता है माशाल्लाह बहुत मेहनत की और उस शो में इनके ला तादाद कैरेक्टर तो दाद। देखा, और देखा और बड़ी मुझसे नहीं बल्कि आप रीमा बनके फारूख और हो रही है वो उन्होंने बल्कि सर ये आपने कहा कि अगर नुमान की जगह किसी खातून को बिठा दो तो मैं बेहतर गुफ्तगू कर पाऊंगा बल्कि मैंने सामिया जी को कहा मैं का, मैं सितारों का हाल बता देता हूँ आप इधर आ जाए सियासत में ऐसी गॉसिप्स होती हैं तो सहाफत और मीडिया में भी होती है तो अगर हम दर्खास्त करें रीमा बन के अगर कुछ एक दो सवाल करें आप साहब से ठीक है तो मजा आएगा <laughs> वाँ। 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 और फारूक साहब इतफाक की बात है आप भी डॉक्टर हैं और मेरे हबी भी डॉक्टर है आप मुझे बताइए आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं मैं मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स का डॉक्टर हूँ मुझे ये बताइए आपने नौमी के साथ मैचिंग की हुई है मुझे नहीं पता जोड़े तो अल्लाह वा की तरफ से होते हैं तो सरकार यहां ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक जरूरी एक मरतबा फिर से खुशामजद कहते हैं जी सरकार में इतने किरदार मायरा जी ने किए हैं क्योंकि सबको यही गिला होता था कि टाइम नहीं दे रही अब टाइम है तो अब मैं बल्कि इनफैक्ट मैंने एक दो ड्रामा साइन किए हैं अच्छा और इनशाला आप जल्द देखेंगे मुझे टीवी पे भी चलो ये तो बड़ी बात है, और मैं बल्कि यहाँ बताना चाहूंगी कि जो मैंने स्टार्ट किया था मुझे हासिल है कि मैंने आप जैसे एक्टर के साथ काम किया शुरू और आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा मतलब आप जैसे जो अदाकार है वो सदियों में पैदा होते है सीरियसली हम सब भी कहते थे उसी अमल का हिस्सा समझ क्योंकि मैं अपनी जगह से नहीं हटा हूँ मैं वही हूँ और मेरे ख्याल में मुझे ये यकीन है कि जो मेरा स्लोगन है यूथ को आगे लाकर उनके हवाले करना मेरे ख्याल में यही एक वो रास्ता है जो पाकिस्तान को ये तो वही रास्ता है डॉक्टर साहब जो खान साहब ने बिल्कुल मैं ये पूछने वाली थी साथ लिया और आज यूथ उनसे बहुत नाला है नाराज बद भी बद है तो कल देखे को देखे अगर यही सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ेगी तो क्या करेंगे डॉक्टर मेरे ख्याल में खान साहब और हमारी शायद में मेरी उसमें फर्क है कि मैं यूथ को 65 परसेंट असेंबली में 35 से कम देखना चाहता हूँ देखना चाहता सेनेट में 45 से कम और तो आपके ख्याल में खान साहब ये नहीं चाहते साहब ने अमली तौर पे ये नहीं किया मैं नहीं कहता कि वो नहीं चाहते okay. क्योंकि तीन चार बड़ी मेजर फ्लॉज हैं जो मैं पॉइंट आउट कर सकता कि उन्होंने एक अपना एहतिस सेल नहीं बनाया सिर्फ नैब पे डिपेंड करके मुल्क साहब करप्शन खत्म नहीं करेंगे सारी जमातों को अपनी पार्टी में ऑफिस बियर और जो इलेक्टेड लोग हैं उनके ऊपर नजर रखनी है हुँ. हुँ. हर साल उनकी बढ़ती हुई जायदाद को अमला को गाड़ियों को कारोबार को मोनिटर करें वहीं से एहत हो जाएगा अगर आप घर में नहीं करेंगे तो फिर आप एक ऐसा सिस्टम जो फ्लॉड है नहीं कर सकता किसी पार्टी ने नहीं किया हमने शुरू किया था किया था हाँ किया था ऐसा किसी ने नहीं, नहीं किया ये हमारी अच्छाया भी हैं बहुत पॉजिटिव साइड भी थी ऑर्गेनाइजेशन थी डिसिप्लिन था लेकिन जहां हिमाकतें और गलतियां हावी हो गई तो जाहिर है हम भी आसमान से जमीन पर आ गए मैं तो एतराफ़ करने में कोई हर्ज नहीं तो यानी कि जो कुछ हुआ अपना ही किया जा रहा है नहीं पचास फीसद उसमें बाई डिजाइन था बाहर से और पचास फीसद बाई डिफॉल्ट हमारी गलतियाँ गलतियां दोनों बातें ये बाते कि मानते हैं नहीं। नहीं, नहीं। exactly, नहीं, नहीं Doctor, ये लोग मानते नहीं मैं फोर्स ही कर रहा हूँ कि अगर ये एक मोबिलाईजेशन नए लोगों की आ गई जैसे जिसके कितने परसेंट चांसेस हैं इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है चॉइस नहीं है वो आखिरी बॉलर छक्का मारना है जो लोग भी आते हैं वो वो खुशहाली का एक नारा लेके आते हैं पांच पांच साल करके मेरे इसमें पचहत्तर साल तो हो गए तो और अभी थीड़ी कितने थीड़ी। पांच साल आवाम इन लोगों को देगी खुशहाली की बात करते हैं लेकिन ख्याल से अपनी साली का रखेगा <laughs> आ, तो मतलब साले बहन बहनोई चाची मामे भतीजे भतीजिया, भतीजिया। भी महाराज भी ओटीटी के आने का क्या क्या एडवांटेजेस है वो जरा बताइए और बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं कहीं ना कहीं अच्छा भी है अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो बेरोजगार एक्टर थे उन्हें एक मौका मिला है कि वो काम करें लेकिन कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी हैं कि लाइक बजट बहुत लिमिटेड हो गए हैं अब जैसे कोई एक एक्टर एक, एक, एक सर्टन अमाउंट लेता है तो उसे कहा जाता है कि हमारा बजट नहीं है वो वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हुआ है बट अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि जिस तेजी से वक्त गुजर रहा है लोगों के हर बंदे के हाथ में मोबाइल फोन है पूरी दुनिया लेके पूरी दुनिया के हाथ में मोबाइल फोन है तो अब टीवी आ, मैं अगर ये कहूँ कि मैं खुद भी नहीं अपना कोई चैनल पे कोई शो या कोई ड्रामा देख पाती तो ये गलत नहीं होगा आ, क्योंकि मोबाइल पे ही एक एक्सेस है कि भाई मोबाइल से चीज देखी और फॉरन से उसको खर्च लिया सो कहीं ना कहीं एक्टर्स के लिए इसमें नई चीजें हो रही है यानी कि अब मैं खुद भी जैसे मैंने आपको बताया कि अपना यूट्यूब चैनल कर रही हूँ

दो चार एक्शन करता है और कहता है कि जी मैं एक्टर बन गया हूँ ये ऐसे नहीं होता है, मतलब एक पूरा एक हमारा देखिए कितनी जर्नी है, है प्रोसेस हाँ, है हाँ। हमें कितने साल लगे हैं मुझे इस इंडस्ट्री में आए पंद्रह सोलह साल ज्यादा ही शायद हो गए होंगे हाँ। मतलब इस तरह नहीं होता कि आप आए दिन आप रातों रात स्टार बन गए हैं ये चीज थोड़ी सी गलत हो गई